बाप रे, लगी तू नहीं? लग गई यार, लग गई यार, चोट लग गई, चोट लग गई। बैठा तो देर मत कर उसको, लग गई है। मैं कर दूंगा कान में कुछ कर दूंगा, अब ऐसे ऐसे कर दूंगा, आराम मिलेगा ऐसे ऐसे करके। परेशान हो गया बेचारा, कान में जलन हो गई शायद ना, इसी खुरापा देख रहो, खुद की तो लीश में, खुद लीश में है पर उसकी लीश पकड़ रहा है, ये देखो देखो। हाँ जी, सो वेलकम टू द चैनल। दोस्तों अभी है हम नौ कुचिया ताल में, पर ये जो कहानी है ये शुरू हुई है पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ में दोस्तों मैं यहाँ आने की तैयारी कर रहा था आज से लगभग लगभग एक हफ्ते पहले, कि धरी भागा भागा मेरे पास आया ये बोल के कि गोस्टू के कान में बहुत दर्द हो रहा है, कान वो हिला रहा है और छटपटा रहा है और कुंकू कुंकू बास कर रहा है। भाई मैं बड़ा घबरा गया क्योंकि मेरे को नेक्स्ट डे ट्रैवल करना था, और यार आखिरी दिन ऐसा कुछ होता है तो आपको पता है ना कि गोस्टू को ट्रीटमेंट कराना भी बड़ा डिफिकल्ट है। खैर मैं भाग के घर गया तो मैंने देखा कि गोस्टू बहुत ही अनकंफर्टेबल है, और मैंने हाथों हाथ हमारी जो भाई लाइफ सेवर है शैली मैम, मैंने एक वीडियो बना के शैली मैम को भेज दिया, वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले आप वो देखो। हाय मैम, गुड इवनिंग मैम। ये गोस्ट के ना कान में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये ना बार बार बाबा अपने हेड को ऐसे ऐसे ये बार बार ऐसे शेक कर रहा है, और ये जो कान है ना इसका स्ट्रेट भी खड़ा नहीं है, थोड़ा ऐसे नीचे को हो रहा है इसको ना। एक मिनट गोस्ट, एक मिनट। ये जो कान है ना मैम, ये रेड भी बहुत ज़्यादा लग रहा है हमें, ये देखिए, और इसमें ना इसको ऐसे कुछ वो करने में पेन सभी मेरे को लग रहा है, इसको पेन हो रहा है शायद, और ये बार 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 ऐसे फटफट फटफट कर रहा है वो, और ये मतलब ये थोड़ा अगर आप देखेंगे ना ये कान ऐसे टेढ़ा सा हो रहा है इसका, ये तो सीधा खड़ा है एकदम, और ये ऐसे, ये देखिए बार बार ये ऐसे ही कर रहा है, तो समझ भी नहीं आ रहा इसको क्या हुआ होगा। ये देखिए मैम ने ये ऐसे गर्दन भी टेढ़ी टेढ़ी कर रहा है, और ये कान देखिए सीधा है, एक कान इसका ये ऐसे टेढ़ा सा, आज ज़्यादा कर रहा है, कल हल्का हल्का लग रहा था बट आज ये बहुत ज़्यादा एकदम से हो गया ऐसे। तो दोस्तों शैली मैम को मैंने कॉल करके भेज दिया, एंड शैली मैम को मैसेज आ गया कि मैं देख के आपको बताती हूँ। अब वो भी बिजी रहती हैं यार, उनकी अपनी सर्जरीज और भीड़ कितनी रहती है उनके यहाँ, तो बस भाई उसके बाद शुरू होता है वो एंग्जाइटी वेट करने का, और जब मैं वेट करता हूँ उनके रिप्लाई आने का, तब तक भाई ये गोस्ट मैक्स का तो एक बॉल मिली है गोस्ट को ना, नहीं गिफ्ट में, वो चू चू करती है, लाइट जलती है, गोस्ट भाई पागल है उस बॉल के पीछे, और मैक्स को भी वही बॉल चाहिए। गोस्तू परेशान हो गया हमारा बेचारा, एकदम से पता नहीं क्या हो गया। गोस्तू बाबू कुछ दर्द हो रहा है बहुत इसको ना, कान को टच करने में भी पता नहीं क्या हो गया। अभी शैली मैम को कॉल किया है, और उम्मीद है यार कुछ हेल्प हो जाए वहाँ से ना, मैम बता दे इसको खेलने की पड़ी है, ले 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 चुहे ले जा, तो बॉल से खेलना है हर समय। मैं बोली परेशान हो गया मैं बच्चा, और कल मैं जा रहा हूँ तो मेरे को और टेंशन हो गई है, बोले दर्द हो रहा है। ये देखो क्या कर रहा है, बॉल अंदर है तो मुंडी अंदर डाल के बैठा है, मुंडी डाल के, और दरी से कह रहा कि मेरा काम है। मैक्स क्या हुआ, क्या है अंदर, कैसे देख रहा है अपनी बॉल को कितना क्यूट है यार, मुंडी कैसे डाल के बैठा है, कि दरी क्या कर रहा है, दरी मत निकालना बाबा। हां क्या हुआ, क्या है बाबा, दरी ली गया देख, धरी ले गया तेरी बॉल। गोबू गोबू भी आ गया बॉल लेने, चलो गोबू को दे दे यार, वो नीचे बॉल है शायद, वो देखो नीचे मुंडी डाल के बैठा हुआ है, तो अब क्या देख रहा है ये, उसको पैपे करने में इतना मजा आ रहा है, देखो पैपे पैपे कर रहा है पैपे। ये जो चूहा है ना इतना फनी है, इतना क्यूट है, और इतना उधम मचाता है, खेलते खेलते इसको इतनी चोट लगती है ना, ये देखो आप, बाप रे, लगी तू नहीं, लग गई यार, लग गई यार, चोट लग गई, चोट लग गई, बैठा तो देर मत कर उसको, लग गई है चोट, लग गई, लंगड़ा रहा है। ये सब खेल कूद चली रही थी, एंड आई वाज वेटिंग फॉर शैली मैम्स कॉल। मेरे को ना टेंशन ये थी कि पिथौरागढ़ है यार, और पिथौरागढ़ में शाम होते जा रही थी, और मेरे को डर ये लग रहा था कि अगर दवाइयों की दुकानें बंद हो गई, यहाँ पे पेट शॉप ना जो जानवरों की दवाई रखते हैं वो एक ही दुकान है प्रॉपर, अगर वो दुकान बंद हो जाती तो आधे से ज़्यादा दवाइयाँ ही नहीं मिलती, तो मेरे को ना बस यही टेंशन हो रही थी कि अगर वो दुकान बंद हो गई तो भाई फिर क्या करेंगे हम, है ना। और भाई आई एम रियली सॉरी टीवी के वास्ते के लिए, भाई मेरे घर वालों को मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, इनका टीवी बंद नहीं करा सकता भाई, तो आपको इस वीडियो में टीवी की आवाज़ थोड़ी सी झेलनी पड़ेगी, तो प्लीज़ झेल लेना। शैली मैम के कॉल का वेट कर रहा हूँ यार, इतना दर्द हो रहा है कान का, अब प्रॉब्लम है कि लेट अगर मैम बताएंगे ना यहाँ दुकानें भी तो बंद हो जाएंगी, दवाई नहीं मिलेगी, एक प्रॉब्लम और है, पूछ तो दिया, बता रही है ना देख के,
मत कर धरी, मत कर मत कर, दर्द हो रहा उसको, उसको खेलना है बॉल से। कान में दर्द हो रहा है ना, ऐसे हर जगह रब कर रहा है कान। मैं कर दूंगा, हम कान में कुछ भी कर दूंगा, वो ऐसे ऐसे कर दूंगा, आराम मिलेगा ऐसे ऐसे करके। अच्छा लग रहा है, अच्छे अच्छे ऐसे कर लिया पापा तो अच्छा लग रहा है। सो फाइनली शैली मैम कॉल्ड एंड उन्होंने ना मेरे को बताया कि गोस्ट को उनके हिसाब से मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो गया है। फिजिकल डायग्नोस तो कर नहीं पाई, तो जो मैंने वीडियोस भेजे थे उन्होंने उससे उन्होंने थोड़ा अंदाजा लगा के, उनका आइडिया तो है ही, तो उन्होंने पूरी एक दवाइयाँ मुझे बता दी। एंड दवाइयाँ फिर ये था कि भैया अब लेने जाओ, एंड आई वॉज जस्ट होपिंग, फिंगर्स क्रॉस थी कि भैया दवाइयाँ पिथौरागढ़ में मिल जाए। शैली मैम का मैसेज आया है कि इसको मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो गया है, उसी से परेशान है एंड काफ़ी पेन भी हो रहा है। अभी मैम मेरे को होपफुली दवाई बता दे और दवाई यहाँ पे मिल जाए हमें ना, बोलूँ तो बच बेटा थोड़ा झेल ले। मेरे को बहुत तकलीफ होती है यार जब इसको कुछ होता है ना, तो बेचारा कुछ नहीं कहता यार, गोस्ट टू कुछ नहीं यार, इसकी कोई डिमांड्स नहीं है, है ना, ना परेशान करता है ये, है ना, बहुत ही गुड बॉय है यार मेरा बच्चा। इसको जब कुछ होता है तो बहुत बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाता है। अरे बाबू ऐसे करके आराम मिल रहा है, ऐसे कर लूँ, मालिश कर लूँ इसकी ना, अच्छा लग रहा है। और ले मेरा बच्चा, एक ही पता नहीं क्या चलता रहता है यार घर में, इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है ना मुझे, पता नहीं आया जब मैं छोटा बच्चा था यार तब आता था यार ये शो, वो दोबारा दोबारा दिखा रहे हैं और ये टीवी वाले और घर वाले देखते भी हैं, उसका अलग ही चल रहा है, अलग ही चल रहा है बेतू, ये क्या कर रहे हो आप। एकदम से ना ठंड हो गई यार यहाँ पे ना, मेरे ना स्वेट शर्ट वगैरह मैंने निकाले ही नहीं है यार, पता नहीं कहाँ रख दिए हैं। ये मिल गई मेरे को अपनी पुरानी स्वेट शर्ट, ये बहुत पहले दारमा पहन के गया था मैं, तब तो मैं इतना पतला था ना, ये लूज होती थी, अभी टाइट हो रही है, चल जाएगा काम, फटाफट दवाई ले आते हैं। दवाइयाँ लेने में आ गया हूँ और ये एयर ड्रॉप मिल गई है, और ये दवाई पे भी दूसरी दवाई भैया निकाल रहे हैं, और फ़ोन में प्रिस्क्रिप्शन खोल के रख दिया मैंने, बस आई होप सारी दवाइयाँ मिल जाएँ बस यार। ये एक मैम ने बताया था स्पॉट ऑन जाते ना टिक्स ट्रीटमेंट कर, तो ये भी दोस्त उगले। सो सारी दवाइयाँ एक ही दुकान में मिल गई, एंड आई एम सो रिलीव्ड, आई कैनॉट टेल यू कि एक ही जगह सारी दवाइयाँ मिल गई, नहीं तो पिथौरागढ़ में यूजुअली ना इधर उधर दौड़ना भागना पड़ता है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, और गोस्ट टू ग्लो भी फटाफट दवाई, जितनी जल्दी उसको दवाई देंगे उतना जल्दी उसको आराम मिलेगा, तो इसलिए टाइम वेस्ट भी नहीं करना था मेरे को, तो काफ़ी अभी रिलैक्सड हूँ कि दवाइयाँ तो मिल गई एटलीस्ट, एंड अब जल्दी से इसको खिला देंगे, एंड होपफुली गोस्ट को थोड़ी देर में थोड़ा तो आराम मिल जाएगा, और कल तक आई होप वो ठीक ही हो जाए। खैर दवाइयाँ मिल गई, एयर ड्रॉप भी मिल गई, सब चीज़ें मिल गई, और अब मैं फटाफट घर आया, घर आया तो देखा कि गोस्टू खाना ही खा रहा है, बढ़िया ही हो गया, उसके बाद दवाइयाँ खिलानी थी उसको। मैं पहुँच गया घर, दोनों के दोनों चूहे और ये खाना खा रहे हैं, खाने में हम इनको दे रहे हैं कद्दू, लौकी, चावल, चिकन और कभी कभी पनीर, और क्या, पनीर और दही। बहुत ही अमेजिंग डाइट है कि चूहे की वजह से हमने करनी पड़ी, इसकी भी कहानी सुनाएंगे आपको कभी। अभी खाना खा ले फिर इसको दवाई लगा देते हैं और दवाई खिला भी देते हैं। भाई देखो बराबर खाना मिलता है दोनों को, उसका ख़त्म हो चुका है, गोस्टू का भी इतना बचा हुआ है, ये चबाता ही नहीं है भाई, गल्प 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 कर देता है, लिटरली निकल देता है बस। अब बर्तन ऐसे साफ कर देगा, ज़िंदगी में बर्तन धोने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, घर को सफाई करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी सामान नीचे गिरेगा पेट में। तो ये स्पॉट ऑन बोलते हैं इसे, तो इसको ना ऐसे करके इनके कोट में एक जगह डालना पड़ता है, फिर अपना आप ही स्प्रेड हो जाता है, और इससे क्या होता है कि जो टिक्स होते हैं ना टिक्स, वो अपना आप ही बॉडी से भाग जाते हैं। तो ये जो इन्फेक्शन है मैम का कहना है कि टिक और माइट्स की वजह से ही हुआ है, तो ले बेटा अब दर्द हो रहा है इसको, देख रहे हो ये, बस अभी दवाई दे देते हैं, चलो खाना खा लेना, उल्टी ना कर दे, थोड़ा 5 मिनट रुक जाता हूँ बस। स्पॉट ऑन तो लगा दिया, अब इनको एक एक करके दवाई खिलानी है गोस्टू मियां को, इसको तो दवाई दो ना, दवाई भी खा लेता भाई, ये अलग ही है, वो तो भी आराम से खाता है वैसे, है ना छूना। हाँ करो, इतना आराम से खा लिया। हाँ गोलू चूंग लो बाबू चूंग ले, बड़ी गोली खिलाना ना आसान होता है, छोटी गोलियों में दिक्कत होती है, अभी इनको ट्राई करते हैं कि कर क्या। अगल ले में चूना ला लो, है ना, हाय थूक थूक पूरा पर खाली, दवाई खिलाना बहुत अच्छा है इसको, मेरे बच्चे को महक्स को लग रहा पता नहीं क्या खिला रहा हूँ मैं इसको, नहीं दे रहा हूँ मैं तो इसको ना दवाई बहुत ही आराम से खिला देता हूँ। अब टेंशन ही है मेरे को कि कल मैं जा रहा हूँ, और जा भी पूरे 4-5 दिन के लिए रहा हूँ, और मैं कैंसिल भी नहीं कर सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई होप शुक्र मेरा छोटा भाई जो है वो खिला ले इसको दवाई आराम से ना, धरी को काट देता है यार, धरी को नहीं खिलाने देता ऐसे दवाई। बाकी सब हो गया, अब एयर ड्रॉप डाल देता हूँ, छुप गया शैतान को पता लग गया। गोस्टू घूम बेटा, एक कान में डाल चुका हूँ, दूसरे में भी डाल देता हूँ,
इन्फेक्शन अब वो हो रही है ना कान में, इसके वो ड्रॉप डाली ना तो खुजली ज्यादा हो रही है। अरे 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 अरे, परेशान हो गया बेचारा, कान में जलन हो गई शायद ना। चलो कोई नहीं, इनका टीवी भाई कभी बंद नहीं होगा, सॉरी अगर आप लोगों को शोर आ रहा हो तो। पर अब क्या करूँ मैं, घर वालों को टीवी बंद नहीं करा सकता भाई, कुछ भी करा सकता हूँ। पर इस शैतान को खेलना है, हर समय खेलता है यार, मैंने ऐसा कोई कुत्ता ही नहीं देखा आज तक अपनी लाइफ में। जा खैर, इनको दवाइयाँ खिला के रात को मैं फिर हमने काम करने चले गए, क्योंकि मुझे अगले दिन ट्रैवल करना था। तो मेरे को आई हैड टू वर्क ऑन अ वीडियो जो कि आप देख चुके हो, जो कि मैक्स के बर्थडे पे आया, वो स्पेशल वीडियो, तो मेरे को उस पर काम करना था। तो मैं अपने ऑफिस आ गया, बट वो होता है ना कि मैं वीडियो पे अच्छे से नहीं बना पाया। एक तो वीडियो में वैसे इतना इमोशनल मैं हो रहा हूँ, ऊपर से एंग्जाइटी हो रही है गोस्टू को लेकर, और अगले दिन मेरे को जाना है यार। और गोस्टू इतना प्यारा बच्चा है, कोई डिमांड नहीं करता, कभी कुछ नहीं कहता भाई, वो इतना अच्छा बच्चा है ना गोस्टू, आई स्वेयर। पर उसको तकलीफ हो रही थी यार, और मैंने उसे जब वो कुंकू करते हुए सुना ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार एकदम से उसको ना शायद बहुत दर्द हो रहा है। तो आई वॉज जस्ट रिलीव कि यार दवाइयाँ वाइयाँ दे दी तो अब थोड़ा आराम मिल जाएगा। एंड देन मैं घर जाता रहा बार बार चेक करने के लिए उसको। गोस्टू को आराम मिला क्या? हाँ सो गया। अरे मेरे बच्चा बोली नहीं यार, दर्द हो रहा है इसके ना, हल्का आँख भी टिमटिमा रहा है। अभी आ रहा हूँ, फिर जाएंगे घूमा। हाँ अभी आ रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, ये देखो इसी खुरापा देख रहो, खुद की तो लीश में, खुद लीश में है पर उसकी लीश पकड़ रहा है। ये देखो देखो मैक्स, तेरी बदतमीजी, इतना क्यूट लगता है ना। मैं तो ये क्या कर रहा है तू? हाँ खुद लीश पे है पर दूसरे की लीश पकड़नी है। गोस्तू फीलिंग बेटर? कान हल्का सा टेढ़ा है बट का फीलिंग क्वाइट बेटर है। खैर अब अगला दिन है और मॉर्निंग में मेरे को जाना है, और जब मेरे को जाना होता है तो गोस्टू को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मेरे को अगले दिन ट्रैवल करना है। और फिर वही उसका साथ में जाने की नौटंकी, परेशान करना, तकलीफ में भी है पर साथ में भी जाना है। एंड आई वॉज ऑल्सो वरीड कि यार मैं जब जाऊँगा तो ये लोग क्या मेरे पीछे से बुआ लोग धरी उसको दवाई खिला पाएंगे, कान में दवाई डाल पाएंगे? बिकॉज गोस्टू का कहना सिर्फ एक को ही अल्फा मानता है, तो उसी से भाई वो सब चीज़ें करता है। अगर मेरे से दवाई वाई खा ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं सबसे खा लेगा वो, और किसी से नहीं खाएगा वो, तो मेरे को ये भी थोड़ा डर लग रहा था। गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 एंड हम बस रेडी हो रहे थे कि मत्तू मियाँ ने कहा भैया खेल लो मेरे साथ थोड़ा सा, तो मेरे साथ खेल रहे हैं। गोस्टू को दवाई भी लगा दी, खिला भी दी। सुबह इसको थोड़ा पेन था, मेरे पास खुद ही आ गया था गोस्टू कि मदद कर दो टाइप्स। मैंने इसको मसाज वसाज किया हल्का हल्का, तो उसको थोड़ा आराम मिला। फिर अभी मैंने उसको दवाई लगा दी, कान में ड्रॉप डाली ना, बहुत इरीटेट हो गया था बहुत ज़्यादा। तो हम जस्ट रेफ्रिजरेटर के भी तो मैं जा रहा हूँ, फिर पता नहीं अब फिर पीछे से कैसे होगा इसको कि हर बार अलग अलग बॉल लाएगा खेलने के लिए। भैया छोड़ो बॉल, अरे शैतान। ये देखो सुबह सुबह क्या करा है इसने। क्या करा है? सुबह सुबह अब मानो तो पिटी गोश्त को दम पता चल जाता है कि मैं जा रहा हूँ। हाँ बाबू अब नहीं ले जा सकता हूँ तेरे को। अरे यार गर्मी है ना वहाँ पे हल्द्वानी में, गर्मी है ना, ये परेशान हो जाएगा यार बहुत ज़्यादा। अगर मैं जा रहा था तो लेके तो जाता हूँ चुनने में, और ले ले, ले। और कान में भी दर्द हो रहा है उल्टा अभी तो। वो देखो तो जाना है। ए, ए, बाहर बाकी मैं गोश्त शैतानी नहीं, वापस आओ वापस आओ। नहीं यार ये बहुत डिफिकल्ट कर देते हैं मेरे लिए ना। गोस्ट बाहर है ना, चुपचाप निकल जाता हूँ ना। चुपचाप निकल लो भैया, चुपचाप निकल लो, थैला वैले की टाइम नहीं। चलो मैं जा रहा हूँ। अबे इसको कैसे ये लो यार, चुपचाप निकल रहा था। है गोली ए बाहर भाग के। हाँ आजा बाबू आजा आजा आजा। चलो 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 अंदर, चलो चलो कहीं नहीं जाना अभी, कहीं नहीं जा रहे, कहीं जा ही नहीं रहा हूँ मैं। अरे कैसे पता चलता है गोस्तू तेरे को? मैंने छूना नहीं, बात मान बेटू तबीयत खराब हो रही है ना, घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। चलो मत करो, इसको अलग ही हो रही है मस्ती, कुछ पता तो है नहीं चूहे को उसको। वो उसको उसको लग रहा है गेम है, परेशान मत कर उसको। सर पे चढ़ गया उसके, हाँ अभी पिलेगा, मिलना तो है, मार तो खानी है इसने। चूहा क्या करता है ना, इसके सर पे खड़ा हो जाएगा वो, अब मार खाएगा वो गोश्त से परेशान कर रहा साले सर पे मच्छर। गोश्त को ऑक्यूपाई कर रहा है वो, मैं निकलता हूँ चुपचाप। सो आई हैव लेफ्ट एंड आप देख रहे हो ठंड कितनी हो रही है,
इज जस्ट 16.5 डिग्रीज। मैंने स्वेटशर्ट भी पहनी है इस वजह से। जो वीडियोस दोस्तों आपने देखे और आज का जो दिन है, 5 दिन बीत चुके हैं। जो 5 दिन का मैम ने कोर्स दिया था वो 5 दिन का कोर्स हमने कंप्लीट कर दिया है। एंड मेरी घर पे रोज ही बात हो रही थी इस बारे में। मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ नौकुचे ताल में यार, क्या करूँ। मैं घर जाना चाहता था गोस्तू के पास, बट बैड वेदर एंड वर्क एंड बहुत सारी चीज़ों की वजह से मैं फंस गया हूँ। खैर मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, गोस्तू इज़ फीलिंग मच 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 बेटर नाउ। वो जो SSS करके कान हिला रहा था अपने, वो हिलाना उसने बंद कर दिया। एंड उससे ये हमें महसूस हो रहा है कि शायद उसके कान का दर्द अब कम हो गया या ख़त्म हो गया है। इन्फेक्शन मेरा भाई मुझे बताता है कि हल्का हल्का रेडनेस तो उसे दिखती है, बट काफ़ी वो भी कम हो चुकी है। एंड अभी मेरे को लगता है कि अब कल एक बार मैं शैली मैम से दोबारा बात करूँगा, है ना, उनको अपडेट दूंगा। एंड अपडेट देके फिर उनसे वो जो भी कंसल्ट करेंगी, वो जो भी बताना चाहेंगी, दवाइयाँ बताएंगी, जो भी हमें करना है वो चीज़ को हम फॉलो करेंगे। तो बस ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों। एक्चुअली ये वीडियो मैंने अपने व्लॉग चैनल के लिए बनाया था, जो हमारा सेकंड चैनल है। एंड अगर आपने वो चैनल नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, मज़ा आएगा आपको। उसमें आजकल मैं खूब सारे व्लॉग्स डाल रहा हूँ, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, तो मैंने वहाँ के लिए वीडियो बनाया था। बट मुझे लगा कि इस वीडियो को यहाँ पर डालना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और लोगों के ज़्यादा काम आ सकता है। अगर आपके भी डॉग इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आप इन चीज़ों को इन चीज़ों के थ्रू आपको डायरेक्ट हेल्प हो सकती है, है ना। क्योंकि कई बार हमारे साथ होता है कि हम भाई रात देर रात हम डॉक्टर को या वेट को नहीं अप्रोच कर पाते, तो जस्ट इन केस ऐसा कोई इशू आपको हो तो आप इससे ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि एडवेंचर सीरीज़ हमारी आनी चाहिए थी, पर इससे पहले मैक्स के बर्थडे वाला वीडियो आया ना, अभी ये वाला वीडियो आया है। दोस्तों मैं नौकुचे ताल में हूँ एंड यहीं पर फंसा हुआ हूँ। मैं आपको सुनाऊंगा, ये लंबी कहानी है। मैं अभी घर नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे को 2-4 दिन अभी घर जाने में और लगेंगे। जब मैं घर जाऊँगा उसके बाद ही वो वीडियोज़ मैं आपको दिखा पाऊँगा। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कोई हाइप बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। डीले करने से सिर्फ नुकसान होता है, फ़ायदा कोई नहीं होता, बट मैं भी मजबूर हूँ। बट वो सीरीज़ बहुत ही फाड़ है ना, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है ना। आप लोग तो यार हमेशा ही प्यार देते हो, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। सो दोस्तों इसी बात पे इस वीडियो को एंड करते हैं। हमारा सेकंड चैनल जरूर चेकआउट करिएगा, व्लॉग जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। एंड ऑन दिस नोट, द हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट।